हाय, माय नेम इज मुकेश और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप हमारा थंबनेल्स देख रहे हैं, थंबनेल्स में लिखा है ब्रेकआउट स्टॉक को पता कैसे करें, हाउ टू फाइंड आउट द ब्रेकआउट स्टॉक विथ चार्टिंग। एक्चुअली में बहुत ऐसे हमारे ट्रेडर्स हैं जो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैसे पता करना है, कैसे हमको फाइंड आउट करना है। वो कभी किसी फ्रेंड्स के बिहाफ पे, कभी किसी के ओवरव्यूज के हाँ पे आप वो चार स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं और जब उसमें अचानक से नीचे फॉल डाउन होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, प्रॉफिट के जगह पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आप लगातार लॉस होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा फेडअप भी हो जाते हैं कि हम करें क्या, एक्चुअली क्या होते हैं, आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और बहुत ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हमें समझना होता है और सही डायरेक्शंस को पता करना होता है, कहाँ से हम ब्रेकआउट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में ब्रेकआउट स्टॉक्स को पता करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, क्योंकि चलिए हम थोड़ी सी उस पर डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने लिखा है 6 वे टू फाइंड आउट द ब्रेकआउट स्टॉक्स थ्रू चार्टिंग। कैसे? एक तो आपको यहाँ पे नियर ऑल टाइम्स हाई ब्रेकआउट्स, उसके बाद 30-डे ब्रेकआउट्स, 20-डेज ब्रेकआउट्स, 10-डेज ब्रेकआउट्स एंड 5-डेज ब्रेकआउट्स एंड 3-डेज ब्रेकआउट, इस तरह के आपको स्क्रिप्ट को रन कराना पड़ेगा। तो ये रन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इस वीडियो को जस्ट फॉलो करें तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। जब नियर ऑल टाइम्स हाई ब्रेकआउट्स को हम चेक करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट टू फाइव स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, सेम वे 30-डेज ब्रेकआउट को करते हैं तो फर्स्ट टू फाइव पे को सेलेक्ट करते हैं, 20-डेज में फर्स्ट टू फाइव पे और 10-डेज में भी ब्रेकआउट को फर्स्ट टू फाइव स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद 5 डेज में हमें 1 to 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, लास्ट 3 डेज में ब्रेकआउट को चेक करते हैं, क्या जो भी यहाँ से फर्स्ट टू फाइव का जो भी स्टॉक्स हमें दिखा रहा है वो नेक्स्ट 1 to 30 में जो 3 डेज ब्रेकआउट्स में वो सारे लिस्ट आउट आने चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं तो इन सारे में आपको चेक करते चले जाना है और लास्ट में आपको दिखेगा, आप चेक कर लेंगे, आपको समझ में जो भी स्टॉक्स आपको आएंगे 1 to 30 में आपको उन्हीं स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसी स्टॉक्स को एनालिसिस करना है और वहीं पर आपको ये भी पता करना है कि कौन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल्स ब्रेकआउट स्टॉक है, जो सही स्टॉक है जहाँ से हमें पैसा दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपने यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया नियर ऑल टाइम्स हाई ब्रेकआउट्स को, जैसे ही आप एंट्री करोगे इन गूगल्स में आपको ये स्क्रिप्ट बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे स्टॉक्स में इतना ही करना है कि ये फ्यूचर्स जहाँ पे कैश लिखा होगा इस पर फ्यूचर्स के जगह पे आपको बस फ्यूचर्स सेलेक्ट करना है और यहाँ रन स्क्रीन रन स्कैट को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। तो आपको सबसे बड़ी बात, इसमें जाओ जो भी स्क्रिप्ट आपको बन के आएगा उस स्क्रिप्ट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ इसको रन करने के बाद जो भी स्टॉक्स लिस्ट आपको देंगे उसी में फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपको जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 30 डेज ब्रेकआउट, आपको वही करना है, इस स्क्रिप्ट को चेक करना है, कुछ भी चेक नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ कैश के जगह फीचर्स करना है, रन स्कैन करना है और 5 स्टॉक को सेलेक्ट करना है। सेम वे 20 डेज ब्रेकआउट्स को आपको लिखना है, वहाँ पे ये स्टॉक्स ये स्क्रिप्ट बनके तैयार होगा, फिर कैश की जगह फीचर करना है, रन स्कैन करना है, 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, 10 डेज लिखना है और इस स्क्रिप्ट में जो भी स्क्रिप्ट जनरेट होगा उस स्क्रिप्ट को छेड़छाड़ नहीं करना है, कैश की जगह फीचर्स करना है, रन स्कैन करना है, 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। सेम वे 5 डेज स्टॉक्स के ब्रेकआउट्स को टाइप करना है, स्क्रिप्ट को छेड़छाड़ नहीं करना है, रन स्कैन को क्लिक करना है, फीस कैश की जगह फीचर करना है और आपको 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। 3 डेज लास्ट आएंगे जिसमें भी सेम चीज करना है, आपको कैश की जगह फीचर्स करना है, स्क्रिप्ट को छेड़छाड़ नहीं करना है और रन स्कैन को क्लिक करना है और 5 जिसमें 30 स्टॉक्स आएंगे उसको सेलेक्ट करना है। तो आपको कैसे करना है उसमें डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने लिखना है ऑल टाइम्स हाई ब्रेकआउट्स को लिखना है, यहाँ पे आपको इंटर करना है, इंटर करने के बाद आपके पास ये स्क्रिप्ट आ जाएगा, स्क्रिप्ट को क्लिक करना है,
ये चार्टिंग आ गया। चार्टिंग आने के बाद यहाँ पे आपको देखोगे कैश है, इस कैश को चेंज करके आपको फीचर्स में चेंज करना है। इस स्क्रिप्ट को छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको रन स्कैन को क्लिक करना है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट आपके पास सामने आ जाएंगे। इस स्क्रिप्ट में आपको 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 5 स्टॉक्स, आपको 5 स्टॉक्स यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद एम्फेसिस आते हैं, इसमें भी 5 स्टॉक्स को यहाँ पे डालने हैं। सेम टाटा कॉम्स को भी लेना है, इसको 5 स्टॉक्स यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये हमारा डाला हुआ है। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ डाला हुआ डाल गारंटी है। तो लॉस एंड ट्रेवर्स को यहाँ से सेलेक्ट करो और इसको यहाँ पे डालो, तो एलएनटी आपके आ जाएंगे। ये एलएनटी आ गया, आपको एलएनटी आ गया। उसके बाद लास्ट एमएसएफएल है, तो इसको क्लिक करो, आप यहाँ पे इंटर मारो, आपको ये दिख जाएगा। करेक्ट, हमारे पाइप्स आ गए। अब हमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक टाइप करना है 30 डेज मीन्स 30 डेज ब्रेकआउट स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है और इस ब्रेक स्टॉक्स को यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आपका ये लिस्ट आ जाएगा, इस फर्स्ट लिंक आएगा, इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। ये स्क्रिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो गया। और यहाँ पे फीचर्स है, तो आपको फीचर्स को हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे रन स्क्रिप्ट को रन स्कैन पर क्लिक कर देना है। आपके पास स्टॉक्स आके तैयार हो गए। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आएंगे उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे विप्रो है, हमने विप्रो को सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे विप्रो यहाँ पे डालोगे, आपका विप्रो स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया। फिर हमें ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स डाला। फिर आपको यहाँ पे एस बी ए लाइफ है, मैंने एस बी ए लाइफ को क्लिक किया। फिर एस बी ए लाइफ आपको यहाँ पे डल जाएंगे, करेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे एम्फेसिस डालोगे। मेरे अंदाज से एम्फेसिस पिछले बार आया हुआ था तो हमें नहीं डालने की ज़रूरत होगी। फिर भी मैं आपको देख लेता हूँ, एम्फेसिस यहाँ पे है इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टाटा कॉम यहाँ पे है, पहले से आया हुआ इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। अब हमें यहाँ से 30 की जगह पे हमें सेलेक्ट करना है 20 ब्रेकआउट। चलो हम 20 को भी चेक करते हैं। 20 ब्रेकआउट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस फर्स्ट लिंक को हमने क्लिक किया और फर्स्ट लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ पे फीचर के कैश की जगह पे फीचर्स को सेलेक्ट करना है हमें। फीचर को सेलेक्ट किया, रन स्कैन को क्लिक किया। जो भी स्टॉक्स हमारे 5 स्टॉक्स आएंगे उसको दें ग्रैन्यूल्स, शायद हमने ग्रैन्यूल्स को ले रखा है इससे पहले। एम्फेसिस वो भी आ गया है, राइट, एम्फेसिस आ गया है। एस बी आई लाइव वो भी आया हुआ है। और लास्ट बता टी वी एस मोटर्स नहीं आया, तो हमने टी वी एस मोटर्स को यहाँ पे कॉपी करके सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। आपके टी वी एस मोटर्स भी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में आ गया। अब जो 20 के जगह पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, 10, करेक्ट। हमने 10 को सेलेक्ट किया, 10 ब्रेकआउट्स हमारे आ गए। अब इसमें ब्रेकआउट्स के यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर से हमने यहाँ पे फ्यूचर की जगह पे यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें फ्यूचर्स को सेलेक्ट करना है, इस रन स्कैन को रन करना है। हमारे पास 5 आ गए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आईपीसी कैब हमने कॉपी किया है, उपसो भी यहाँ पे आईपीसी कैब नहीं, यस यहाँ पे है, तो हमें इसको टच नहीं करना है। फेडरल बैंक नहीं है, तो हमें इस लिस्ट को कॉपी करना है और फेडरल बैंक यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जब फेडरल बैंक हमारे इच्छा आ जाएंगे, फिर हमें विप्रो आया हुआ है और मेट्रोपॉलिस यही नहीं, नहीं आया हुआ, मुझे ये सेलेक्ट करना है और मेट्रोपॉलिस यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से आपके ये लिस्ट बन के तैयार हो गए। फिफ्थ में ग्रेन्यूल्स है जो हमारे पास पहले से तैयार है।
चलो नेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है 5 डेज का, 5 डेज का हमने सेलेक्ट किया, 5 डेज का ब्रेकआउट को हमने सेलेक्ट किया। इस ब्रेकआउट पे हमें कैश को चेंज करके फीचर्स डालना है, राइट। यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी हमें यहाँ पे चेंज 500 डॉलर चेंज करना है फ्यूचर, राइट। हमने फ्यूचर को सेलेक्ट किया, रन स्कैन किया, हमारे पास स्क्रिप्ट 20 तैयार हो गया। तो यहाँ से हमें फिफ्थ खोलेंगे, फेडरल बैंक हमारे पास है, विप्रो भी है, मेट्रोपोलिस भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा को हमने सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी हम देखते हैं, जो नालको होते हैं एक्चुअली में, जो जो स्टॉक वो नेशनल एल्यूमिनियम की जगह पे नालको हम उसको स्किप नाम से जानते हैं। नाउ उसके बाद हमारा लास्ट रह जाता है थर्ड 3 डेज स्टॉक ब्रेकआउट, राइट। तो 3 डेज ब्रेकआउट को हमने यहाँ पे टार्ग करना है, 3 डेज टाइप करना है, इंटर मारना है, और हमारे पास ये स्टॉक्स भी कंप्लीट तैयार होके आ जाएंगे। फीचर्स तो है ही, तो हमें बस रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और स्क्रिप्ट हमारे पास आते फिर आईपी हमारे पास है ही। फिर ग्लेनमार्क हमने शायद ग्लेनमार्क नहीं है, तो हमें जो यहाँ पे ग्लेनमार्क एक लेना है, राइट। चलो ग्रीन मार्क हमें लेना है, तो हमने ग्रीन मार्क को ले लिया। उसके बाद चेक करना है फेडरल बैंक है, विप्रो है, मेट्रोपोलिस है, बायकॉन्स नहीं है, इसको बायकॉन्स को इंटर करना है। बायकॉन को इंटर किया, नाउ ग्रेनविल्स है, महिंद्रा महिंद्रा भी है, SBI लेफ्ट है, जुबली फ्रूट नहीं है, इसको जुबली फ्रूट निकालना है, सुबली फूड को मैंने डाल दिया, करेक्ट। यहाँ पे डाल चल गया। उसके बाद जो है नेशनल एल्यूमिनियम्स है डला हुआ है, एम्फेसिस डला हुआ, टाटा कॉम डला हुआ है, और ACC नहीं है, हमने ACC को ही ले लेना है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ से हमें स्टॉक में, करेक्ट, सॉरी, ACC को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ACC को हमने डाल दिया, राइट। इस तरह से हमारे ACC भी आ गए। और उसके बाद अदानी पोर्ट है, चलो हमने अदानी पोर्ट को भी सेलेक्ट कर लिया, राइट। अदानी पोर्ट भी हमारे पास आ गए। उसके बाद कॉनकॉर्ड है, इसको हमें ये भी लेना है, हमने कॉनकॉर्ड को ले लिया। इसके बाद 15 15 15 कहाँ था, 15 हमें ले लिया। इसमें जो आपको जाना है ना, ज़्यादातर बहुत दूर तक हमें नहीं जाना है। यहाँ पे आपने देख लिया TVS मोटर तक आ रहा है, राइट। TVS मोटर इससे पहले हमें ले रखा है, तो यहाँ तक लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। 25 तक आप इसको यूज़ कर सकते, बट हम मेरा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 22.822 से ऊपर का जो भी होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो कॉनकॉर्ड को हम लिए, एल्टी का हम L&T हमारा लिया हुआ है, अल्केन्स को हम ले लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स अब हमें दिख रहे हैं बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स का और प्लस बहुत हाई स्टॉक्स प्राइस है, तो हमें वो बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट हम इसको ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आपके पास इतने सारे लिस्ट आ चुके हैं कि अब हमें इन 15 स्टॉक्स को चेक करना है कि क्या आपके ये सारे स्टॉक्स हमारे ब्रेकआउट्स में आ रहे हैं या नहीं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, अब हमें इस सारा स्टॉक्स को लिस्ट आ गया हमारे पास, जिससे जितने ब्रेकआउट स्टॉक को चेक करना है। अगर इसको आपको ये देखोगे तो आप चेक करो, यहाँ पे डर्विस थोरिस के जो बॉक्स होते हैं, मैं वो भी अभी डर्विस का बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स आपके चेक करोगे तो ये स्टॉक्स आपके ब्रेकआउट से ऊपर है, चेक करो, करेक्ट। एक तो ये इस ब्रेकआउट से ऊपर दिख रहा है, और यहाँ पे भी डर्विक्स का बॉक्स जो बन के तैयार होता है यहाँ पे ऊपर है। दैट मीन्स टुमारो दिस स्टॉक्स विल गिव यू हाई प्रॉफिट। आपको ये सेलेक्ट करना, अगर हम इसको यहाँ पे इंट्राडे में आप चेक करोगे
कितने का ये स्टॉक्स हमें मिल रहा है, ये 1088 का मिल रहा है, जो 5400 का स्टॉक्स है वो 1088 का मिल रहा है। तो आपको इसी तरह से सेलेक्ट करना है, राइट। कॉनकॉर्ड को सेलेक्ट, उसको भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट बन के तैयार है। अगर हम डर्वेक्स बॉक्स को क्रिएट करते हैं तो यहाँ से भी समझ में आ जाता है कि ये स्टॉक्स अब यहाँ से अपर डायरेक्शन को ही बनाएगा। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है कि हमें इस ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। ये देखो 196 का है, जो 1000 के नियर अबाउट स्टॉक्स है। अगर हमें उसी तरह से अदानी पोर्ट को चेक करें तो अदानी पोर्ट भी हमारे पास ऐसे ही ब्रेकआउट्स बन के तैयार है। तो अगर हम आपको ये देखें, यहाँ पे डर्वेक्स बॉक्स में बना के दिखा रहा हूँ। डर्वेक्स बॉक्स हमें ये कहते हैं कि जैसे ही इस बॉक्स से ऊपर दिखता है तो दैट मीन्स एक तो ब्रेकआउट यहाँ पे है ही, दूसरा डर्वेक्स बॉक्स भी जनरेट कर रहा है ब्रेकआउट्स का। तो आपको यहाँ से दिखा रहा है डर्वेक्स बॉक्स की थ्योरी, मैं आपको बताऊँगा जी किसी दिन, मैं इसके लिए ऊपर से वीडियो बनाऊँगा। अगर आपका लाइक हमारे पास मिनिमम 1000 बन के आता है तो हम जरूर इस पर, 500 भी आता है तो हम इस पर काम करेंगे और आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो ये ब्रेकआउट्स के पे तैयार है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये इसमें अगर सपोज हमने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, आप देखो 261 का है। अगर 10-20 स्टॉक्स इसमें आप बाई करते हो तो 39 × 10 कितना होता है, नियर अबाउट 400 रुपीज़ आपको यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट 82 का, अब देखो यहाँ पे 82 जो बन रहा है ACC, क्या देखता हूँ ACC कहाँ पे, ACC भी ब्रेकआउट्स मैंने एक बनाया था डर्वेक्स का, थोड़ी आप उसको चेक करके देखो। नेक्स्ट डे इसने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिया है। अगर आप ये 10 बजे तक के बीच में निकल जाते मैं आपको बताऊँगा कितने बजे आपको निकलना है। फिर एक थ्योरी बन रहा है यहाँ पे, सेम स्टेट को मैं यहाँ पर खींच के यहाँ देख लेती हूँ तो सेम चीज़ बन रहा है, राइट। तो दैट मीन्स आपका ही भी स्टॉक्स अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का रखता है, आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो ना। दूसरा है जुबली फूड, जो जुबली फूड स्टॉक्स है इसमें मैं आपको अवॉइड करूँगा, ना बाय करें। हाँ, एक रिस्क ले सकते हो अगर यहाँ पे, क्या होता है कभी कभी ये स्टॉक्स यहाँ से अगर इनको बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का चांसेस बनता है तो ये बहुत ज़्यादा हाई बनाएगा, हो सकता है कल ये 10% से 12% और 15% तक ये बढ़ जाए, हो सकता है यहाँ से थोड़े सा ही बढ़ के नीचे आ जाए, मैक्सिमम चांसेस इसका 15% का ग्रोथ ले सकता है। क्योंकि ये यस इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, क्या मैं बता रहा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत रेगुलर, यहाँ तक आप वॉल्यूम्स को देखोगे तो बहुत कम था वॉल्यूम्स, राइट, यहाँ तक प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद डायरेक्शन आप देखो तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी दिखा रहा है, तो दैट मीन्स ये टुमारो दे विल गिव यू नो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस इसमें हो सकता है, तो हमें इसको लेना चाहिए। और नेक्स्ट इसी तरह से आपको चेक करना है सारे स्टॉक्स को नियर अबाउट आपके जो फेडरल बैंक, TVS लाइफ और यहाँ पे SBI लाइफ तक, L&T तक और एम्फेसिस तक आपको चेक करना है। जो भी स्टॉक्स इसमें आपको अच्छे लगें, आपके हिसाब से समझ में आता है, आपका जो पोर्टफोलियोज है, आपके पास जो भी फंड है पड़ा हुआ उसके हिसाब से आपने इसमें एंट्री लेना है। और क्योंकि ब्रेकआउट बन के तैयार है, वॉल्यूम्स भी हमने दिखा दिया है, ये जो लाइन आपको कैसे लेना है आपको समझना है, मैं बस उतना ही बता देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ कैसे इस पर भी एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं बताऊँगा कि वहाँ पे करना क्या है। बस ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि इसमें है क्या, आपको सेलेक्ट कहाँ से करना है। क्योंकि यहाँ देखो जब जैसे आप इनपुट में आते हैं उसके बाद स्टाइल में आते हो, ये सारा सेलेक्ट ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होता है, बस आपको इसको सेलेक्ट करना। अगर इसको ज़रा सा हल्का सा भी मोटा करके देखोगे तो आपके लिए एक अच्छा सा लेंथ बना के देगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छे तरीके से इसके लाइंस, करेक्ट, इसके लाइंस आपको समझ में आएगा, इसके लाइंस आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो आपका ये लाइंस कितने अच्छे तरीके से अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट मीन्स नेक्स्ट डे ये बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देगा। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, अगर मैं SSC को चेक करो, SSC चेक करो, आप ये देखो, चलो वॉल्यूम इसी को देखो, ये लास्ट क्या है, ये वॉल्यूम्स का जो लाइन है आप देखो ये बराबर इसमें, राइट, और यहाँ से ये स्टॉक्स के वॉल्यूम्स धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो उसके में यहाँ पे देखो आपको हो क्या रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो आपको इसी तरह से स्टॉक्स को बाई करना है और नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। जैसा कि हमने आपको लिखा है कि ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैसे पता करना है, तो आपको इसी तरीके से ब्रेकआउट को पता करना है, वो भी चार्ट इंक पे,
राइट। तो आपको इस तरह से आपके वीडियोस में वो जाना है, आपको सेलेक्ट करना है और आपको समझना है कैसे हमें पता करना है। अगर आपको ये वीडियोस हमारा पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं। आराम वीडियोस है। थैंक यू।